चारों तरफ निगाह रखना। सिक्योरिटी, बॉस ऊपर आ रहे हैं, तैयार रहना। रेडी, ओवर एंड आउट। आ गए। हाय। दिल खुश हो गया मिलके। मेरा भी। आओ ना। पहुंच रहे हैं। गगन मान जाओ वरना। ओके ओके। रुको रुको। नो नो प्लीज रुको। नहीं। चलो निकलो यहां से जल्दी जल्दी करो। कौन हो तुम लोग बताओ। अबे चुप। तुम्हारी वाइफ से माल वसूल करना है हमें। चुप कर। चल अंदर डालो इसके अंदर। हनी, कहां पर है मेरे कफलिंक्स? ऊपर सीधे हाथ के ड्रॉअर में। इस घर में मिलता ही नहीं है कुछ। मैं ढूंढ देती हूँ सब कुछ। थैंक यू। ये मकान अभी तो लिया है हम लोगों ने, यू नो। और तुम्हें तो सब पता है। तुम बहुत सुंदर हो। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे सामने ठंडे हैं वो हीरो। थैंक यू। जो चमकते सितारे हैं। तुम ही हो मेरी प्यास और मेरा। मुझे मौका दिया गया है कि मैं स्वागत करूं और मिलवाऊं मिस्टर जेफरी स्कॉट को, जो स्कॉट कंप्यूटर्स मेक्सिको से आए हैं। थैंक यू। थैंक यू। दो कंपनीज के मिलन के खुशी में आज रात ये पार्टी होने जा रही है, तो प्लीज आप सब लोग इस पार्टी में शामिल हो और इस मौके पर इस नई दोस्ती के आगाज का आनंद लूटें और बधाई दें। थैंक यू।
थैंक यू भर आया दिल, थैंक यू स्वागत के लिए अल्बर्टो, थैंक यू, तुमने तो तारीफ जबरदस्त कर दी, साथ ही बड़ा भारी स्वागत मेरे सम्मान में कर डाला। मेरे बिजनेस की वजह से मेरी खूबसूरत वाइफ एड्रियना और मैं पूरी दुनिया घूम चुके हैं। ये घूमना फिरना, जगह बदलना बड़ी मुश्किल में डाल देता है, क्योंकि हर जगह की संस्कृति अलग होती है। मगर दिल इस मैक्सिको नाम पर कह उठा, मंजिल है तो मैक्सिको, वैसे इस शहर में घर भी है एड्रियना की मदर का। हम दोनों जिस मिनट उतरे मैक्सिको, तो मन ने महसूस किया उस प्यार के जादू को जो यहां के लोगों के दिल में भरा है कूट कूट कर। तो प्लीज कबूल करें आप मेरा शुक्रिया, हम सुंदर भविष्य की कल्पना करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल को हमारी कंपनी मुनाफा कमाए और हमारी दोस्ती यानी हमारी पार्टनरशिप एक मिसाल बन जाए। थैंक यू। अब हमारे कदम मिलकर आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्टनर अल्बर्टो। जेफरी, यह मिलन सिर्फ शुरुआत होगी मेरे सपनों की। मेरे दिल का कहना है कंपनी को ले चलो लैटिन अमेरिका तक। मेरा भी मन की ख्वाहिश को पूरा करना ही होगा। यार थैंक यू स्पीच लिखने का भी। एलिशा का कमाल है, पर मेरी सहायता से हुआ। एलिशा समझदार है। हाँ यही वजह है तुमने हीरा चुना अपने ऑफिस के बीच से। यू आर राइट। ओके, वैसे जब थी वहाँ पर नाच गाने का मुझे शौक था, आज भी है, लेकिन हाँ, ज्यादा नहीं। कभी हावी नहीं होने देता हूँ। वैसे प्रैक्टिस आज भी करती हूँ। ओके, मुझे तो ड्रिंक चाहिए, अभी फटाफट लेकर आई। ओके, अभी पहुंची। ओके, नए लोगों से मुलाकात और फिर इसके। माफ कीजिएगा। ओह एलिशा, देखो तुमने क्या किया, ध्यान रखना चाहिए। मैं आपके लेकर आती हूँ। फिक्र मत करो, भूल जाओ, सब कुछ ठीक है। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं, जाने दो, मैं अभी आती हूँ। अभी आई मैं। हनी, हुआ क्या तुम्हारी ड्रेस को? एलिशा का पागलपन है। गॉड, सबक उसको सिखाना चाहिए ताकि कभी ऐसा फिर ना हो। हाँ सच, मैंने उसके आंखें, इशारे और मटकना गौर से नोटिस किया है। जेफरी, फालतू बात नहीं करो, मुझे पूरा यकीन है कि उसने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया।
ए, चलो उठो, आंखें खोलो। और देखो हमें। हेलो, ध्यान से सुनो तुम। बहुत नाराज हूं मैं। दिल बहुत खुश था मेरा आज, लेकिन वो खुशी खाक में मिला दी तुमने मुझसे बेवक्त पंगा लेकर। कहो, प्लीज मारना नहीं उनको। प्लीज मारना नहीं उनको। आई एम सॉरी, मगर वक्त की मांग कुछ और है फिलहाल। झूठ आज बोला तूने। बस एक मौका दे दीजिए। फालतू कामों को कर तुम अलग हो जाते हो और भुगतना दूसरों को पड़ता है। पर ऐसा सलूक मेरे साथ क्यों? किसी तरह की जाति दुश्मनी नहीं है, हमें चाहिए वफादारी, वफादारी। मगर तुम्हारी वाइफ ने कानून को तोड़ा है, वो पुलिस को गई बताने। काटा लो अंगूठा। नहीं, छोड़ दो प्लीज, उन्हें मत मारो। पानी से बाहर पड़ी मछली के समान तड़प रहा है तुम्हारी वजह से। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो उन्हें। मेरी बात सुनो, पैसा मैं दूंगा, छोड़ दो मुझे। अब देने होंगे 5 करोड़। पर मेरे पास इतने। चुप, बीच में नहीं बोलो तुम। 100 और 50 के तुमको रखने हैं किसी वाटरप्रूफ प्लास्टिक बैग में। उनके नंबर अलग अलग होने चाहिए। मार कोई भी नहीं होना चाहिए नोटों पर। मॉर्निंग। मॉर्निंग। अच्छा खास।
बड़े जमाने बाद। वाह क्या बात है, अच्छे लग रहे हो। लेकिन तुम वैसे ही हो। बात खुशी की है, कुछ तुमको दिखाना है जो शायद तुमको पसंद आएगा ही, ये फायदेमंद साबित हो सकता है। डर वाली तो कोई बात नहीं? कोई खास नहीं। काम इसी का है। माल देने वाला क्या भरोसे का है? दोस्त है मेरा, अपनी बीवी को ही अगवा करवाना चाहता है। बॉडीगार्ड्स? उनकी फिक्र तुम छोड़ दो, ये मेरी खासियत है, मत भूलना। जानता हूं मैं ये। सब लोग जाओ, चले जाओ। वाह मानना पड़ेगा तुम्हें, क्या माहौल है। चले प्लीज लेकर आओ कुछ बोतलें बियर की। ओ बे फिर बोला ना बियर। ओ गॉड। बैठ जाओ प्लीज। वैसे कहना पड़ेगा कि आज भी परख है औरतों की। पर सौदे में माल कितना चाहिए? हम बांटेंगे 50-50। ये ज्यादा होगा। ज्यादा तो नहीं बोला, आधा उसे दूंगा जो मेरी मदद करेगा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है ये तो मैं कोई दूसरा बंदा ढूंढता हूं। ओ रुको रुको, मुझे मंजूर है, तुम सौदा पक्का समझो। मैं यही चाहता हूं, आधा मांगना गलत नहीं होगा। कैसी है वो? तुम्हारी मनपसंद, गोरा रंग और नीली आंखों वाली। और टांगे? ओह गॉड, एक और। हाँ। ये धंधा अपहरण का एक के बाद दूसरा यही चल रहा है यहाँ। अच्छा नहीं हो रहा है। ये देखा तुमने, दिन दहाड़े सबके सामने हुआ अपहरण, उसे घर से उठा के ले गए, ना ही घर वाले उसे छुड़ाने की कोई कोशिश कर रहे हैं। परिवार का क्या कसूर है, अगर कहीं कुछ करेंगे तो ये डर लगा रहता है कि उसे कहीं तकलीफ न पहुंचे जो कब्जे में है, ना ही पुलिस कुछ करती है, सब गड़बड़ है। यहाँ ऐसे ही होता है, यही तो वजह है कि हमें रखने पड़ते हैं बॉडीगार्ड्स। हाँ। मुझे लगता है मैं जंगली लोगों के बीच में हूँ। अच्छा उदाहरण पेश किया तुमने माय डियर। अपनी तारीफ तुम्हारी मुंह से सुनकर डर लगता है। साथ में कुछ ग्राफिक डिजाइन किए थे कंपनी में और बात बन गई हम दोनों के बीच। आंखों आंखों में इशारा हो गया, जीने का सहारा हो गया। और प्यार हो गया हम दोनों मिलते घूमते फिरते। ऐसे ही 2 साल बीत गए और शादी हो गई। हम दोनों ही बहके हुए थे। चलो। हे hey! तो अच्छा खासा मजा लूटा। हाँ हाँ। तो अब अपनी मर्जी बताओ। रेल में गोल गोल घूमना है। नहीं रिचर्ड नहीं, प्लेन में बैठाएंगे। बाय। मैं गर्मा गर्म कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ? कैपुचिनो। कैपुचिनो बाय। सुनो कोई मस्ती नहीं करोगे तुम दोनों, समझ गए? हेलो मैम। हेलो, एक कैपेचिनो साथ में ब्लैक कॉफी। अभी लीजिए। जेम्स स्कॉट और साथ में वाइफ एलिशा। Thank you.
जल्दी करो। ओके ओके ले चलो। उस वक्त तुम कहां थे मिस्टर? अपने ही ऑफिस में काम कर रहा था मैं। किसी से क्या उनकी दुश्मनी थी? नहीं तो, मेरी वाइफ का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। प्लीज इन बातों में वक्त न बर्बाद करें। धमकी वगैरह किसी ने दी क्या? वैसे सामने से नहीं, पर एक व्यक्ति है मेरे ऑफिस का, उसके ऊपर शक कर सकते हैं हम लोग। खुद को अगवा कराकर तुमसे रकम वसूलना तो नहीं चाहती वो? बिल्कुल भी नहीं। सुनिए, मेरा पैसा सारा उसी का है, यहां बर्बाद नहीं करिए वक्त। सीधे सीधे जवाब दीजिए। ठीक है ठीक है, थोड़ा आराम इस बंदे को दीजिए। ये गुनहगार तो है नहीं, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। इसकी वाइफ थी। मिस्टर स्कॉट के साथ मुझे अकेला छोड़ दो। मिस्टर स्कॉट, हाँ। मुझे कुछ ऐसी बातें बतानी है जिनके बारे में आपको पता नहीं है। सीनियर, मैक्सिको में पूरे दो दर्जन तो गैंग होंगे ही इस अगवा के धंधे में। इन सब का ढंग अलग है काम का, मतलब इनमें कुछ हैं जो पेशेवर हैं, इनका संपर्क सीधा होता है इंटरनेशनल आतंकवादियों से। एक बात तो समझ आती है, तुम्हारी वाइफ को जैसे इन लोगों ने उठाया है तो यकीनन ये काम उनका ही होगा। इन्हें कोई जल्दी पैसा पाने की नहीं होती। अंदाजा मुझे हो रहा है जो इशारा आपका है। आसानी से कोई बात बनेगी ऐसा कभी सोचना भी नहीं। यानी छुड़ाने को मोटी रकम चुकानी है। क्यों, जो पैसा देते हो छुड़ाने के लिए? तो ये गैंग इस पैसे से गोला बारूद, बंदूक और बॉम्ब वगैरह खरीदेगा। मुझे इसकी फिक्र नहीं, उन्हें ये सब खरीदने दो। मुझे चाहिए मेरी वाइफ वापस, मैं दूंगा। जो पैसा सही सलामत लिया है उसे, वो मुझे मंजूर है। इस तरीके से आप बढ़े और मेरी मदद करें। हमें थोड़ी देर हो गई। मैं एमी पेरिसन, अमेरिकन कॉन्सल। हाय जेफरी स्कॉट। हाय, यह है मेरी असिस्टेंट एलिशा गार्डनर। हाय हाय, यह है मिस्टर हेवर्ड। हाय मिस्टर हेवर्ड। जेफ, हाय। आप आई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। होगी जरूर। पहले यह बताना चाहूंगी कि हमें सुनकर दुख हुआ, अब जो भी मदद होगी हम जरूर करेंगे। थैंक यू। एहसान बहुत है तुम्हारे अंकल के, इसलिए हम दोनों खुद मिलने पहुंचे और मदद भी हर प्रकार से करने को राजी हो गए। वैसे हम ऐसे काम अपने ऑफिस या तो एम्बेसी को दे देते हैं। वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इंटरेस्ट आपने लिया है, इसलिए थैंक यू बोलना बड़ा जरूरी हो जाता है। थैंक यू। वक्त ज्यादा बर्बाद ना करें, सीधे मुद्दे पर आ जाए। ज्यादा दिन नहीं हुए तस्वीर भेजी है किडनैपर्स ने। गॉड, ये सोचना भी मुश्किल है। इसके पीछे संदेश भी लिखा हुआ है। तुम उसको जिंदा वापस चाहते हो? I'm sorry. तो क्या आप पहुंच पाएंगे उस अपहरणकर्ता तक, उस असली व्यक्ति पर? हाँ। नहीं, इसे आसान काम मत समझो, ये हकीकत में पुलिस का काम है। इनके हाथ लंबे होते हैं पहुंच ऊपर तक इन लोगों की, और खतरनाक भी। पूरी सहायता किडनैपर्स को पुलिस से मिलती है, इसी वजह से कुछ हाथ नहीं आता। वाह, क्या कहने, मेरी वाइफ का ये अपहरण इस शहर में हुआ जहां पुलिस हाथों में है गुंडे बदमाशों के, यानी कि वो बिक गई है। कमाल का शहर है ये। ये उसे क्यों ले गए? मुझे ले जाना था उठा करके। तो चेक फाड़ कर कौन देता जो तुम्हें ले जाते? कोई इनके गैंग का आदमी हाथ में आना चाहिए, यानी चाहिए एक बिचौलिया।
तो एक मीडिएटर चाहिए। कौन? धोखेबाज, तू कहां पर है? ये आखिरी चेतावनी है, इसके बाद छुट्टी, बाय। पॉल, एमी पेरिसन मेक्सिको से, यहाँ एक अर्जेंट काम है तुम्हारे लिए। स्टेट डिपार्टमेंट ने ओके कर दिया है, तुम्हारी फ्लाइट बुक कर दी गई है, मिलते हैं। पॉल शेरॉन बोल रही हूँ, तुम्हारे बॉस चाहते हैं जेम्स स्कॉट के केस में पूरी दिलचस्पी लो और अपनी काबिलियत से किसी नतीजे पर पहुँचो। बड़ा अच्छा परिवार है जेम्स स्कॉट का। बॉस चाहते हैं नतीजा और उम्मीद भी करते हैं, जैसे तुमने कैरो में अपहरणकर्ताओं से बच्चों को छुड़ाया था, वैसे ही सफलता तुम्हें यहाँ मिले। बाय। रात भर रहेंगे विक्टर। या एक बात याद रखना, कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं। कोई परिंदा तक पर ना मारे। फिक्र मत करो यार, उसे लाना मेरे पास। ओके। मन में क्या है आखिर तुम्हारे सिनारा? किस लिए हो रहा है ये? तुमने कुछ खाया नहीं, मुंह से कुछ बोलती नहीं। जो मैं तुम्हारी जगह होता तो वक्त के हिसाब से चलता मैं। तुम्हें बहुत वक्त गुजारना है हम लोगों के बीच। इस तरह जिंदगी नहीं कटेगी, बल्कि मुश्किलें और बढ़ जाएंगी तुम्हारी। झूठ नहीं बोल रहा हूं और ना ही बोलता हूं। हमारे चंगुल से नहीं निकल पाओगे तुम। फिर ऐसा किया तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे, समझ गई? अपनी ताकत का इस्तेमाल मुझ पे मत करो, समझी तुम? बैठो। मुझे कितना बोनस दिलवाओगी अगर तुम्हें तकलीफों से दूर रखूं? खाना खाना चाहिए, उसे फेंकना नहीं चाहिए, मगर ध्यान रहे, जब तक तुम बात मानोगी सिर्फ तभी तक तुम्हारे हाथ पैर खुले रहेंगे। जिस वक्त पंगा लेने की कोशिश की उसी वक्त तुम्हारे हाथ पैर फिर से बांध दिए जाएंगे और खूब पिटाई होगी और तुम्हें डाल दिया जाएगा काल कोठरी में, समझ गई तुम? वॉशिंगटन डीसी से आ पहुंची है गेट नंबर 7 पर। जेफ्री स्कॉट। पॉल बार्क। बंद करो, तो मैं समझाता हूं पूरी बात। इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह पूरा किस्सा हिस्सा बन गया मेरा। कैसे काम करना होगा यह बताना है मिस्टर स्कॉट। ओके। मुझे पूरा भरोसा हो चुका है कि तुमने हाथ पैर चारों ओर मारे ही होंगे, पर अब तुम्हें अपनी वाइफ को सही सलामत पाना है तो मेरी सुनते रहना और सिर्फ उसी पर अमल करना, समझे? रुको एक मिनट के लिए। सुनो सुनो, तुम रुको एक मिनट।
तुम्हारी दुनिया सिमट चुकी है मेरे अंदर, इस वजह से मेरी सुनो, ये याद रहे। ओके, तुम हो एक्सपर्ट तो हर बात तुम्हारी माननी चाहिए मुझको, मगर कोई भी कदम उठाने से पहले बता देना, किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, समझे? ओके, पहला काम होगा मेरा तुम्हारे घर में घुसना और कुछ इक्विपमेंट फिट करना जिससे सुराग हाथ में लगेंगे। मैं सभी फोन कॉल्स तुम्हारे रिकॉर्ड करूंगा तो तुम्हारे सभी खास राज आम हो जाएंगे। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हरामखोर अब नाचेंगे मेरी ताल पर। काफी समय गुजर चुका है, तुमको उम्मीद है कि वो जिंदा होगी? अब तक जिंदा होगी। भुगता है कई बार पेशेवर ऐसे इंसानों को, जब तक इन्हें यह मालूम है कि तुम माल दोगे, ये उसे नहीं मारेंगे। जितनी रकम मांग रहे हैं वो उन्हें मिल जाए तो इंतजार उसका जरूर करेंगे। ओके ओके। दूसरी बात यह है जेफ, मैं बुला सकता हूं तुम्हें? जेफ, शौक से बुलाओ। एक बात ईमानदारी से बताओ, अपनी वाइफ की कीमत क्या सोची है? कीमत वाइफ की? मत कहना कुछ भी नहीं सोचा अभी तक। कोई तो रकम उन्हें देनी ही होगी, जमा पूंजी पूरी या आधी। जरूरत पड़ने पर कुछ उधार भी लिया जा सकता है। कोई फिगर तो सोचनी पड़ेगी। अच्छा, सोच कर बता देना। तो एक बिचौलिया मिल गया। इससे बात और भी बिगड़ने वाली है। वैसे हाल तो बताओ उस औरत का। आ रही है लाइन पे। हाल उसका पहले से बेहतर है, थोड़ा खाने लगी है और बोलने लगी है। उसे जो पसंद आए खिलाऊं? हुआ क्या तुम्हें विक्टर? तुम्हारी हंसी हमारे जोक पर क्यों नहीं छूटी? मतलब जोक इस लायक नहीं होगा। वाह, बहुत बदमाश है। भिड़ गया टांका तो पटा ले। सुन विक्टर सुन, रात होते ही तू मूड में आ जाएगा, क्योंकि बात हमेशा रात में ही थी है। बहुत हो चुका आगे, कुछ मत बोलना। अब मुझे वापस वहीं जाना चाहिए जहां धंधा मेरा है। ए विक्टर, यूरो में ब्राजील ने नाइजीरिया की कर डाली, तो फिर पक्का है डिनर? शर्त हमारे बीच दूसरी थी, याद कर लो, फिर मिलेंगे। शर्त हार चुका पर मान नहीं रहा लल्लू। उस औरत पर जो लट्टू हो गया तो गया काम से। इस धंधे में प्यार करना मौत के करीब जाना है। कुछ दिखा? जेफ, जितनी जल्दी हो सके मुझे यहाँ से निकालो। ये जो भी रकम मांगते हैं दे दो। अगर तुम्हें इनकी मांगी हुई रकम ज्यादा लगती है तो मैं तुम्हें जल्दी चुका दूंगी। बात बड़ी आसान है, मुझे मेरी रकम डॉलर्स में चाहिए, उन पर कोई मार्क ना हो। इसके बाद हमारी सारी बातचीत मैक्सिको टाइम्स के विज्ञापनों द्वारा होगी। हर एक एड का कोड होगा होटल एनसिनो। अब तुम जितनी जल्दी कदम उठाओ तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। जल्लाद है ये तुम। तुम्हारी वाइफ बहुत ओके, ऐसा है तो रकम मैं दूंगा। अभी नहीं, तुम्हारी वाइफ एक सौदा है। किसको कितनी जरूरत है उसी आधार पर तो तुम्हारी वाइफ की कीमत है। मेरी वाइफ सौदे का सामान नहीं है, हमें उसे पैसा देकर छोड़ाना ही है। जो हम उनकी पहली मांग मान लेते हैं तो ज्यादा ही उनके मुंह खुलेंगे, साथ ही वक्त भी लगेगा उनको लौटाने में। वक्त पता तो चले जो कुछ भी लगने वाला है। उसके घर वाले दबाव बनाए हुए, कहते हैं पैसा देकर छोड़ा लाओ उसे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कहने दो उन्हें।
तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े हैं जो तुमको आ भी जाएंगे। ये लो कॉफी। जो भी तुम करती हो उसकी खबर हम रखते हैं। साइबर कैफे है ना जी? ईमेल करना है। हाँ करिए, सोचना क्या। गुड। ये बिजी रहता है हमेशा? वैसे आज नहीं है बिजी, पर कभी कभी बड़ी लंबी लाइन होती है बाहर तक। देखिए मेरी एक प्रॉब्लम है और मुझे उम्मीद है कि आप सुलझा देंगे। किसी ने मुझे यहाँ से ईमेल किया था पर कौन है नहीं रोज जानता। हजारों लोग यहाँ पर ईमेल भेजने वाले आते हैं सर। यही वजह है मेरी फिक्र की भी। कोई हल तो इस बात को ढूंढना ही पड़ेगा। ये लो, शायद कुछ मदद मिले। थैंक यू स्वीटी। यू आर वेलकम। तबियत में सुधार होगा ही। थैंक यू। क्या है कि मैंने सोचा था कि सच ये है कि मैं ये बताना चाहूंगा कि तुमको कि मुझे फिक्र है कंपनी की और तुम्हारे लिए ये प्रेजेंट। जेफ, कोई जरूरत नहीं थी। पसंद आया तुम्हें? जेफ सच में कमाल के हैं। गुड। ओ माय गॉड, कोई जरूरत नहीं थी इस तोहफे की। बात बन गई। थैंक यू। थैंक यू। ये पसंद आए जेफ। मैं मुझे फिक्र हो रही है एक बात से। जिस प्रकार से तुम अंदर ही अंदर फिलहाल घुल रहे हो, अगर कहीं ये पासा उल्टा पड़ गया तो क्या होगा? तुम्हारा हालात बद से बदतर हो गई तो क्या होगा, ये सोचती हूँ। जल्दी है ऐसा सोचना मेरे विचार में। फिक्र नहीं करो डियर। कुछ अपने बारे में भी तो सोचो, तुम्हें भी उम्र काटनी है। हम मिलकर ये। एलिशा देखो सुनो, ऐसे इस तरह तुम्हारा सोचना बेबुनियाद होगा क्योंकि सच हम नहीं जानते। वैसे मैं शादीशुदा इंसान हूँ जिसकी अपनी वाइफ है। नहीं मालूम दिल ने कहा कि मैं ये बात करूँ तुमसे, इसीलिए। इस वक्त फिजूल होगा वो सब सोचना, साथ ही बात करना। कहने पर ये होटल एंचिनो हम खरीदेंगे। हम सब लोग लॉस मेरिसेस रेस्टोरेंट के नजदीक जहाँ एक गैस स्टेशन है वहीं मिलेंगे 6 बजे। तारीख होगी 14। ये सब क्या है? नहीं कह सकता। पर मतलब तो बताओ ना कहने का, ये बहुत खतरनाक है। आखिर ये क्या बला है? देखो पॉल और हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे गुप्त मुझे रखना ही होगा। बता नहीं सकता मैं किसी को भी। ओ तो आज मैं किसी हो गई? ओ, ओ ऐसा मैंने तो नहीं बोला। वो अपने आप को समझता क्या है? मैं क्या दुश्मन? बेकार है ऐसा सोचना। ये काम ऐसे ही होता है, किसी पर विश्वास नहीं होता। उसे मुझसे परेशानी है। एक्सक्यूज मी। ये एक प्राइवेट पार्टी है। तो क्या हुआ? एलिशा प्लीज हमें अकेला छोड़ दोगी तुम? जेफ प्लीज हमें अकेला छोड़ दो तुम। थैंक यू। सॉरी। मुझे फोटोग्राफ मिला उनमें से एक किडनैपर का। बहुत खूब, पर तुमको मिला कैसे? कंप्यूटर से संदेशा भेजते वक्त बस तालमेल बिठा लिया मैंने सर्विलेंस कैमरा का कॉफी शॉप में। यही वो है। मैंने कभी नहीं देखा इस आदमी को। कभी नहीं? कभी नहीं। फर्क इससे नहीं पड़ता,
पर मेरा कॉन्टैक्ट चलेगा आगे क्योंकि मेक्सिकन डेटाबेस उनका हाथ में आ चुका है। तो अब कौन सा कदम उठेगा? उन्हें रकम दे देंगे हम ताकि तुम्हारी वाइफ सही सलामत वापस आए, या फिर मैं पीछे जाऊं उनके। इन जल्लादों को सबक सिखा सकोगे क्या? प्लान सोचा है। थोड़ा आराम से खाओ नहीं तो गले में फंसेगा। बढ़िया खबर ने मेरी भूख को बढ़ा दिया है। तुम सब जान तो गई, पर प्लीज फिर से सब बताओ ना। पैसा मिलने के बाद क्या करेंगे वो? उनसे जो पैसा मिलना है वो हमें कल मिले तो पहले उसके ऊपर क्या कोई मार्क है वो हम देखेंगे, जो सब ठीक है तो तुम्हें छोड़ देंगे। कहीं हाथ लगते ही पैसा जान से ना मार डाले मुझे। तुम्हें पता चल चुका है कि हम लोगों के भी कुछ उसूल हैं। पर इतने दिन क्यों लगे? क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड भाजी की तरह तोलमोल कर रहा था, शायद दांत से पैसा पकड़े बैठा था, इसीलिए बड़ा पैसा है उसके पास। आखिर वो दे रहे हैं ना? उसके दिल में कहीं खोट है, इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं। खोट की वजह भी बता देता हूं। ऐसे लोगों के पास बहुत पैसा होता है पर सीधे लोगों के पास नहीं। कहने को ये बात सच हो सकती है। हाँ, तुम्हारे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, क्या वो तुम्हारा नहीं है? नहीं है। वैसे ये बात सच हो भी सकती है तो उसके अपने का अपहरण करके उसे सताने का क्या मतलब है विक्टर? जाने भी तो ये सब। ले आया ये लोशन जो तुमने कहा था, आराम से नहीं मिला ये। मैं मेहरबानियों का शुक्रिया अदा जरूर करूंगी जो अभी तक तुमने की। तुम्हें विश्वास होगा कि नहीं पर चंद चीजें मैंने तुमसे सीखी है यहां आने पर। मैंने यहां वो आवाज सुनी है जिसे अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। उससे दिमाग पर काबू पाया, मुझे खुशी है। चौदह तारीख कोई नहीं पहुंचा। कैमरा दो तैयार, सावधानी से। एक सफेद वैन हमारी ओर आ रही है। ओके, कैमरा दो गैस स्टेशन पर नजर रखें। एक नंबर वो मिल रहा है ना? जूम करो और यही पर रुको। कैमरा वन नहीं छोड़ना गैस स्टेशन। अब जूम करो। दो, कैमरा पंप की तरफ। ये बेस्ट शॉट है। थ्री, ले जाओ हुड के ऊपर। यही वो व्यक्ति है। माल लेकर अभी तक नहीं पहुंचा। ओके, यानी कि कुल चार लोग हैं। फोकस करो। चलो, ये लोग वापस जा रहे हैं।
चलो उनका पीछा करो। फर्नांडिस, ये ट्रांसमीटर गाड़ी के नीचे लगा दो। कैसा चल रहा है पेट्रो? ये वन, ट्रांसमीटर काम कर रहा है। लगता है ये लोग अब एक्वापुलो हाईवे की तरफ जा रहे हैं। छोड़ना नहीं उन्हें।